माधवी लता ने जाति आधारित राजनीति पर ओवैसी का गरिमामय खंडन किया। माधवी लता ने कहा कि यह शर्मनाक है कि एक शिक्षित वकील मुस्लिम हितों को गोमांस खाने, हिजाब पहनने और बाबरी मस्जिद निर्माण तक सीमित रखता है। वह 5 साल तक किसी विकास योजना की बात नहीं करते। इतना असरदार जवाब कम ही देखने को मिलता है। माधवी लता को हमारा सलाम। सुनिए माधवी लता को। सरासर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के विरुद्ध जा रहे हैं ये लोग। इन पर तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जब इतना पब्लिक में ये लोग ये कह रहे हैं कि बीफ काटो और खाओ, और वो लोग रिलीजन के नाम पर भी, जैसे कि वो लोग मस्जिद के नाम पर वोट पूछ रहे हैं, दिसंबर 6 का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, बाबरी मस्जिद का नाम छेड़कर वोट पूछ रहे हैं, तो ताज्जुब की बात है। ये सारे एक ऐसे पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब के मुंह से निकल रहा है। और इससे भी तो दर्दनाक बात तो ये है कि वो मुसलमान को एक बीफ किस हद तक छोड़ दिए है, तो उनको बीफ काटने और बीफ खाने से आगे बढ़ना नहीं है उनके हिसाब से। तब तो सारे मुसलमान पसमंदे भाई और बहनों को सोचना चाहिए, क्या उनके जिंदगी बीफ के अलावा कुछ अहमियत ही नहीं है क्या? एक ऐसा पार्टी के लीडर जो कभी मैनिफेस्टो के बारे में बात नहीं करे, लोगों को 5 साल में क्या करना चाहिए वो ये बात तकरीबन 40 साल से बोलते नहीं आए। उनको तो सिर्फ लोगों से दो ही दो बात करने का, एक मजहब का बात करना है, एक बीफ का बात करना है। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।